गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। दिस इज संस्कृत क्लास। आज हम टेंथ की संस्कृत पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। आज हमारा थर्ड चैप्टर चलेगा जिसका नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। तो बच्चों, चलिए इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी संस्कृत की बुक ओपन करनी है और इसमें आपको चैप्टर थर्ड निकालना है, तृतीय पाठ है। आपको चैप्टर थर्ड निकालना है। देखिए बच्चों, स्वराष्ट्र गौरवम, इस चैप्टर में मैं आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चों, ये हमारे भारतवर्ष के बारे में है। ये किसके बारे में? इसमें जो कविता लिखी गई है वो हमारे भारतवर्ष के बारे में लिखी गई है कि हमारे जो भारतवर्ष है वो कितना मतलब गौरवमयी है, अर्थात उसकी कितनी सारी विशेषताएँ हैं, वो कितना पुराना है और उसने इस संसार को क्या क्या दिया है, अर्थात उसको देवों की भूमि बताया गया है, उसको भगवान जो यहाँ पर अवतरित हुए थे वो बताया गया है, और जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी ज्ञान है वो हमारे कहाँ पर हुआ था, हमारे भारतवर्ष में ही हुए थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा ये भारतवर्ष, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा यह भारतवर्ष बहुत दिन से पुराना व सनातन राष्ट्र है, किंतु यहाँ ऋषि मुनियों, कवियों और तत्वों द्वारा केवल भौतिक और भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। बच्चों, कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक राजनीतिक लेवल पे या फिर एक भौतिक क्षेत्र में या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ही इसको राष्ट्र नहीं माना गया है। इसकी संस्कृति, जो हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है, उसके आधार पर इसको राष्ट्र माना गया है। जब चेतन वहाँ वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है, हम इसे राष्ट्र देव मानते हैं, मतलब हम इसे भगवान की तरह पूजते हैं, हम अपनी भारत को यानी अपने राष्ट्र को माता की तरह पूजते हैं। ठीक है, यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड नहीं है, अर्थात कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक भौगोलिक खंड बनाया हुआ हो, एक उपखंड हो, उसके बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे भारतवर्ष को एक बहुत ही महान बताया गया है, जिसमें देखिए क्या कहते हैं, अर्थवेद में भी यह कहा गया है कि माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेद में भी यही कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका, और दुलोक हमारे क्या है, पिता है। तो यहाँ पर हम अपने राष्ट्र को माता और पिता की तरह देखते हैं, ना कि सिर्फ एक भौगोलिक खंड की तरह। तो चलिए बच्चों, इसी की तरह हम आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट हमारा जो खंड है, ये देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। श्लोक देखिए, फर्स्ट जो हमारा श्लोक है उसको अच्छे से देखेंगे। उत्तरम यद् समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम वर्षम तद्व भारतम नाम भारती यत्र संतितः। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि वह भूभाग जो जिसके उत्तर में तो क्या है, समुद्र स्थित है, और दक्षिण में क्या स्थित है, हिमालय स्थित है। यानी कि ऐसा भूभाग जिसके दक्षिण में तो हिमालय पर्वत व उत्तर में समुद्र स्थित है, ऐसे भारतवर्ष जिसकी हम क्या है, संतान है, वो क्या के किस नाम से जाना जाता है, वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जिस भारत की हम संतान है, अर्थात जहाँ पे हमने जन्म लिया है, वो किस नाम से जाना जाता है, वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके संस्कृत अर्थ देख लीजिए। यह देश इंतु महासागरस्य उत्तर दिशाया दिशि स्थित है। ये जो देश है वो महासागर के उत्तर में ही स्थित है। जो हमारा देश है यानी जो हमारा भारतवर्ष है, वो किस क्या कौन सी दिशा में स्थित है, वो उत्तर दिशा में, महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है। यत च प्रदेश है हिमवत पर्वतात दक्षिणसया दिशि स्थित है। और यह जो प्रदेश है वो हिमालय पर्वत, यानी जो प्रदेश कौन सा, हमारा जो भारत देश है वो हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। प्रजावस्ती तद ए भारत नाम राष्ट्र अस्तिति। यदि जहाँ पर भारतीय प्रजा रहती है, अर्थात जहाँ हम
इसकी संतान यानी भारतवर्ष की संतान रहती है, वह किस नाम से, वह राष्ट्र किस नाम से जाना जाता है, वह भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारत देशस्य सीमा अहिमलात हिंदु सागर पर्यंत मस्ती, अर्थात जो भारत देश की जो सीमा है वो हिमालय से हिंदू सागर तक यानी हिंद सागर तक स्थित है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। हिमालयात समारभ्य याद बिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देश हिंदुस्थानम प्रच्छते। आप देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक, यानी जो हिमालय पर्वत दक्षिण में कहाँ था, दक्षिण में हिमालय पर्वत था और उत्तर में हमारे हिंद महासागर था, यानी दक्षिण से लेकर उत्तर तक, यानी कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, और उस देश को किसके द्वारा रचा हुआ बताया गया है, उस देश को देव निर्मित देश है, यानी देवों के द्वारा इसे निर्मित बताया गया है, यानी जो हमारे भारतवर्ष है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है, देवों के द्वारा की गई है, देवों ने अपने हाथों से इसको रचा है। ऐसा कौन सा देश है, ऐसा भारतवर्ष है, कौन है बेटा ऐसा, ये हिंदुस्तान देश है। अब देखिए इसके संस्कृत व्याख्या की तरफ। हिमवत पर्वतात प्रारम्भे, के जहाँ से हिमवत यानी जो हिमालय पर्वत प्रारंभ होता है हिंद महासागर पर्यंत, वहाँ से हिंद महासागर तक यत देश स्थित है अस्ति, जो देश स्थित है सह देश हिंदुस्था इति नामनान यागते, उस वह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। देव निर्मितम हिमालयात हिंदू सागर पर्यंत, कि देवों से निर्मित यानी देवों ने जिसकी रचना कही की है, वह हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक उस भूखंड नाम का जो भूखंड है वो हिंदुस्तान के नाम से विख्यात है, यानी प्रख्यात है, यानी के प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो हमारा थर्ड श्लोक है उसके ऊपर चलते हैं। आई होप आपको ये दो श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है, गायंती देवाः किंग किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। अब देखो बेटा यहाँ पे कायल की किल का मतलब है कि निसंदेह जो देव है इसकी स्तुति करते हैं, इसके गीत को गाते होंगे, ठीक है, क्या करते होंगे यानी इसके गुणगान करते हैं, किसके, हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारतवर्ष है उसका गुणगान कौन करते हैं, देव करते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, और यहाँ पर जो देव है उन्होंने किनको धन्य बताया है, उन्होंने उन व्यक्तियों को या उस मनुष्य को धन्य बताया है जो इस भारत भूमि में स्वर्गापर वर्गास्पत मार्ग भूते, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने मार्ग स्वरूप प्राप्त करने वाला कौन सा देश है, भारत देश है। अर्थात कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि इस भूमि पर आकर, इस देश में आकर क्या हो जाता है, मनुष्य किसको प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, यानी जो हमारी भूमि है वो मोक्ष प्रदायिनी है, अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाली है। तो ये मोक्ष और किसको, स्वर्ग को प्राप्त करने वाली एक क्या है, एक जरिया है, एक रास्ता है, जो किसे बताया गया है, हमारी भारत भूमि को बताया गया है। और ऐसे जो मनुष्य जो इस भूमि में जन्म लेते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, देखिए आगे, भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात, यानी उनमें देवत्व पाया जाता है, यानी जो देवत्व को प्राप्त करने वाले मनुष्य होते हैं वो ही यहाँ पर क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं, वही यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चों, जन्म लेते हैं जो देवत्व प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उन्हें ही यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ में आया बच्चों आपको यहाँ पे? चलिए अब इसके संस्कृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। निश्चित में सुरा गीतानि गायंती, के निश्चय ही जो देव है इसके गुणों का बखान करते हैं, इसका गुणगान गीतों के रूप में करते हैं, अर्थात भारतस्य गुणगानम कुर्वन्ती, अर्थात भारतवर्ष का गुणगान करते हैं। यत श्रेष्ठा सौभाग्यवंतु, और वह व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ है, सौभाग्यवान है, ठीक है, जो ते मनुष्या संति ये सर्वस्य मोक्षस्य च मार्ग स्वरूपे स्थले भारत देशे देवत्वात् पुनः पुनः जन्म लभते, अर्थात वह धन्य है या सौभाग्यशाली वे लोग हैं बच्चों जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप स्थल, यानी यहाँ
जो भारतवर्ष है उसको मोक्ष का द्वार बताया गया है कि यहीं से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ऐसे व्यक्ति जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप वाले स्थल को भारत देश में बार बार अपने देवत्व के कारण, यानी उन्होंने अपने पिछले जन्म में या फिर उन्होंने ऐसे अपने कर्म किए होंगे जिनके उनके पुण्य कर्मों के कारण उनका जो जन्म है वो बार बार कहाँ पर होता है, वो बार बार हमारी भारत भूमि में होता है और कारण जन्म ग्रहण करते हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए इसके आगे, अत्र धन्या जना एव जन्म लभते, और मोक्ष प्रदान करने वाला है धन्य लोग ही जन्म प्राप्त करते हैं। अर्थात जो पुण्यवान जो लोग हैं वो ही यहाँ पर क्या प्राप्त करते हैं, जन्म प्राप्त करते हैं। आगे चलिए, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु प्रांग मुख है पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांड प्राश्रित। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है बच्चों, जो हमारी भूमि है उसको देव भूमि बताया गया है और ये इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ पे जन्म लेने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन बच्चों कई जो मनुष्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो इस पवित्र भूमि पे जन्म लेकर भी अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, अर्थात पुण्यों की प्राप्ति नहीं करते हैं। कहने का क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर, कि सत्कर्म नहीं करते हैं, अर्थात इस पवित्र भूमि में जन्म लेने के बाद में भी अच्छे कर्मों को नहीं करते हैं। वो व्यक्ति क्या करते हैं, पीयूष कलशम हित्वा, अर्थात पीयूष का मतलब है यहाँ पर अमृत, वो क्या करते हैं, अमृत रूपी जो कलश है उसको त्याग कर जो विष भांडुम पाश्रित, यानी जो जहर से भरे हुए घड़े को पी लेते हैं। अर्थात वो क्या करते हैं, वो अमृत का त्याग कर कर विष का पान करते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया है बच्चों, कि जो मनुष्य इस पवित्र भूमि में जन्म लेने के बाद में भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं, वे व्यक्ति क्या करते हैं, अमृत को छोड़कर विष का पान करते हैं। चलिए इसकी संस्कृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। भारतवर्षे देशेऽपि जन्म लब्ध्वा ये मनुष्या सत्कर्म निरता न भूत्वा विमुखा प्रतिकूला वा भवन्ति ते तु अमृत घटम अपि त्यक्त्वा गरकलस्य घटम स्वीकरन्तु अर्थात अमूल्यम अवसर परित्यजन्ति। देखिए भारतवर्ष में भी जन्म प्राप्त कर जो मनुष्य अच्छे कर्मों में रत नहीं होके, अर्थात अच्छे कर्म नहीं करके भी उसके प्रतिकूल होकर कार्य करते हैं, अर्थात बुरे कर्मों की ओर जाते हैं, वह व्यक्ति मानो अमृत के घड़े को त्याग कर जो विष के घड़े को स्वीकार करते हैं, अर्थात जो अच्छे अवसर है, जो अमूल्य अवसर है उसका भी परित्याग कर देते हैं, उसको भी क्या कर देते हैं, उसको भी त्याग देते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको ये चार श्लोक कंप्लीट करवा दिए हैं, अच्छे से पढ़ा दिए हैं। चलिए अब हमारे होमवर्क की तरफ चलते हैं। आज आपको इनकी हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या दोनों आपको अपनी नोटबुक में करनी है और साथ में इसके आपको संदर्भ और प्रसंग भी लिखना है। संदर्भ और प्रसंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है बच्चों। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। गया क्या?